उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जेवी जैन डिग्री कॉलेज के एलएलबी के छात्र छात्राओं ने अपने ही कॉलेज पर उपस्थिति कम दिखाकर मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न के आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने बताया कि 4 जनवरी 2017 को हमने प्रदर्शन किया था, लेकिन हमें परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का आश्वासन देकर उठा दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई तो आगे होने वाले परिणाम के लिए कॉलेज प्रशासन जिम्मेदार होगा और हम सभी को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से अंकुर सैनी की यह रिपोर्ट। धरने पे इन्होंने गलत तरीके से हमारे सब लोगों के जितने बच्चे 152 सबके नाम काट दिए, जबकि कोई पूर्व में कोई नोटिस नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया, कोई नोटिस नहीं जारी किया पहले से, और जबकि 2-5 महीने का सेमेस्टर होता है, 3 महीने सेमेस्टर को गुजर चुके थे, 2 महीने रह चुके थे, उससे पूरे ना होने के बाद 100% लगती तो अभी तो 75% बैठते, तब कोई वार्निंग लेटर हो तो मैंने बोल दिया, कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तब भी काट दिया। यानी कि अगर पूरे 5 महीने होते तो एग्जाम से पहले जारी करते तो अक्टूबर में ही नाम इन लोगों ने काट दिया, जो कि सरासर गलत है। जाती है इनकी कॉलेज प्रशासन वालों की बच्चों के प्रति, ये सेल्फ फाइनेंस कॉलेज जो इन्हें करने का तरीका जो किया है इन लोगों ने, उसका बच्चों का उत्पीड़न कर रहे हैं और प्राइवेट कॉलेज बना दिया है लोगों ने। सर हम एलएलबी के 3rd सेम में है, 5th सेम में पढ़ते हैं, तो हमारा नाम इन्होंने अक्टूबर में शॉर्ट अटेंडेंसी के नाम पे काट दिया है। तो हमने कहा सर हमारे एग्जाम होने तक बच्चे का राइट होता है कि उनकी अटेंडेंसी ध्यान में रखी जाए, तो हमने कहा सर हमारी अटेंडेंसी तो देखो आप, तो उन्होंने कहा जो आपका नाम काट दिया तो काट दिया, तो उन्होंने कहा वीसी के पास जाओ, हम वीसी के पास चले गए, वीसी ने कहा सब कुछ करेंगे प्रिंसिपल करेंगे, प्रिंसिपल के पास आए सर हमने 2 बार धरना दे दिया, 2 बार हमें आश्वासन देकर उठा दिया, रात भी हमने धरना दिया, तो हमें ये कहा गया कि वीसी की तरफ से रिपोर्ट आएगी और तुम्हें बैठने के लिए हम लिखित रूप से अनुमति देंगे, चाहे कल को छुट्टी है चाहे नहीं है, फिर भी आपके लिए कॉलेज खुलेगा और आपको लिखित रूप से हम लिख कर देंगे। अब देखो हालत सर, गेट पे ताला लग रहा और बच्चे बाहर बैठे, अब कहा है कि उन्होंने हम किसी तरीके से नहीं देंगे, अपने बात से पलट चुके हैं सर ये। प्रदेश में पहली बार परिवहन विभाग ने गलत तरीके से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए 70 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से परिवहन नियमों को ताक पर रखकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए परिवहन विभाग ने कदम उठाया है। सहायक परिवहन आयुक्त एस के सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वाहन चालकों के खिलाफ ओवरलोडिंग, रैश ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना समेत मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाने जैसे मामलों के तहत कार्रवाई की गई है। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। इसमें पहले की तुलना में काफ़ी सघन कार्रवाई हो रही है, उसका उसके पीछे एक तो सेंसिटाइजेशन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो है उन्होंने निर्देश दिए हैं कि 6 किस्म के जो अपराध हैं जिसमें ओवरलोडिंग है, ओवर स्पीडिंग है, माल वाहन में सवारी ढोना है, मोबाइल का प्रयोग करना है वाहन चलाते समय, ड्रंकन ड्राइविंग है, इस तरह के अपराधों में प्रत्येक दिशा में वाहन चालक के लाइसेंस के विरुद्ध कार्रवाई की जानी है। तो पहले ये होता था कि कई बार चेतावनी देके छोड़ देते थे, या 2-3 बार जब अपराध होता था तब उसका सस्पेंशन किया जाता था, अभी उन्होंने ये कह दिया, तो डिस्क्वालिफिकेशन तो लगभग अब हर केस में करने के लिए कह दिया गया अधिकारियों को, तो उसका परिणाम सामने आ रहा है। तो उसमें अब काफ़ी बड़ी संख्या में लाइसेंस डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, 2000 के आसपास लाइसेंस डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, पर इसके अलावा ये 3-3 महीने के लिए हुए हैं, कुछ 6 महीने के लिए हुए हैं, पर अच्छी खासी संख्या में जो पहले नहीं होता था लाइसेंस, 70 के करीब लाइसेंस ऐसे हैं जिनको रिवोक कर लिया गया है, वो लाइसेंस अब गाड़ी नहीं चला पाएंगे, और चूंकि अब सारथी 4 पे रिवोक किया जा रहा है, ई चालानिंग भी शुरू कर दी गई है, तो जिसका पहले तो ये होता था किसी का लाइसेंस निरस्त भी हो गया तो चुपके से जाके दूसरे ऑफिस में या उसी ऑफिस में थोड़े दिन बाद जाके फिर से बनवा लेता था, पर अब ऐसा संभव नहीं होगा क्योंकि सेंट्रल डेटाबेस है, तो एक बार जब वहाँ कैंसिलेशन दर्ज हो जाएगा उसका तो उसके लिए आसान नहीं होगा किसी दूसरे ऑफिस से भी जाके वो बनवा पाए लाइसेंस, तो ये एक रोक रहेगी। कांग्रेस के प्रदेश मुखिया प्रीतम सिंह ने आज काशीपुर पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं संग एक बैठक करते हुए आगामी निकाय चुनाव में कांग्रेस का परचम फहराने के लिए तैयार रहने की सलाह दी। आपको बता दें कि आज उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने काशीपुर में क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं और निकाय चुनाव के दावेदारों संग एक बैठक करते हुए उनको पार्टी की नीतियों का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने जिसको भी चुनाव मैदान में उतारा है, सब एकजुट कर उसके साथ खड़े हो, जिससे प्रदेश में विकास विरोधी पार्टी बीजेपी को शिकस्त दी जा सके।
क्राइम स्टोरी के लिए काशीपुर से रफीक खान की रिपोर्ट। देखिए, लोकायुक्त के परिप्रेक्ष्य में मैं जरूर कहना चाहूंगा, जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण लेने का काम किया और जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की तो उन्होंने दो बातें बड़े जोर शोर से कही थी। एक बात उन्होंने ये कही थी कि भ्रष्टाचार पर हमारा जीरो टॉलरेंस है और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर 3 महीने में मजबूत लोकायुक्त लाने का काम करेंगे, लेकिन आज सरकार उससे पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जो लोकायुक्त की बात आपने भ्रष्टाचार को रोकने के परिप्रेक्ष्य में कही थी, मजबूत लोकायुक्त इस प्रदेश में लाने का काम सरकार करे। स्वाभाविक बात है, जब कभी भी चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो बहुत सारे हमारे साथी चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो टिकट मांगने का काम करते हैं, लेकिन टिकट तो एक ही को मिलना ना। तो हमने कांग्रेस के साथियों से कहा है कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़े, जिस भी व्यक्ति को टिकट मिले, पूरी कांग्रेस उसके पीछे लामबद्ध होने का काम करे। पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल ने देहरादून कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने सरकार के उस फैसले की आलोचना की जिसमें राज्य सरकार ने सचिवालय में पत्रकारों के जाने पर पाबंदी लगाई है। दिनेश अग्रवाल का कहना है कि सरकार लोकतंत्र की आवाज को दबाना चाहती है, साथ ही अपने अनुसार खबरों का संचालन करना चाहती है, जो कि गलत है। वहीं दिनेश अग्रवाल ने सरकार से अपने इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने सीधे सीधे चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार अगर अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगी। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। विशेषतः उन्होंने आदेश कर दिया है, मैं समझता हूँ ये फासिस्टवादी आदेश को अविलंब सरकार वापस ले, क्योंकि ये लोकतंत्र पे प्रहार है, स्वतंत्रता पे, जो प्रेस की स्वतंत्रता है उस पे प्रहार है। और मैं समझता हूँ कि ये अपनी जो फासिस्टवादी सोच का आदेश सरकार द्वारा जारी किया गया, इसको अविलंब वापस ले, अन्यथा कांग्रेस जो है आंदोलन के लिए विवश होगी। क्योंकि हम जिस तरह से राजस्थान में इन्होंने ये आदेश इस तरह का जारी किया था, कांग्रेस ने वहाँ पर अपना जो रवैया है, स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा और अंतोगत्वा जो है सरकार को उस आदेश को वापस लेना पड़ा। हम कहते हैं कि उत्तराखंड की सरकार को भी इस आदेश को अविलंब वापस लेना चाहिए, नहीं तो जो है ये प्रहार जो है वो कांग्रेस पार्टी जो लोकतंत्र पे प्रहार होगा। ये खाली प्रेस पे प्रहार नहीं है, ये लोकतंत्र पे प्रहार है, क्योंकि ये चाहते हैं कि सिर्फ इनकी मीठी मीठी बातों को या जो बात ये कहें उसको छाप दो, कहीं भी सरकार की आलोचना ना हो। अरे, जनतंत्र के अंदर आलोचना भी होती है, जनतंत्र के अंदर सराहना भी होती है, इन दोनों बातों के लिए तैयार रहना चाहिए। और यदि सरकार का तंत्र अपने में कमजोर है कि उसकी सूचनाएं कहीं से लीक कर दी जाती हैं या हो रही है, तो सरकार अपने तंत्र को मजबूत करे, उसमें पत्रकारों पे या प्रेस पे बैन करने की क्या आवश्यकता है, अपने तंत्र को मजबूत करें। रुड़की के टांडा भनेड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ, जिसमें एक युवती समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मंगलोर कोतवाली पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। गांव में तनाव को देखते हुए फिलहाल भारी फोर्स के साथ PSC को तैनात किया गया। उत्तराखंड के रुड़की से मिक्की जैदी की रिपोर्ट। मिशन आक्रोश के बाद अब मिशन महावर्त ने राज्य पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। 2 दिन बाद तय मिशन महावर्त से पहले पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए बगावत पर उतरे 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के प्रभारियों की बैठक लेकर अनुशासन बनाए रखने का सर्कुलर जारी कर दिया है। वहीं LIU को पूरे मामले पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले चमोली जिले में सिपाहियों ने मिशन महावर्त नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हुए आंदोलन को हवा देने की कोशिश की, मगर इसकी रिपोर्ट चमोली LIU ने तत्काल पुलिस मुख्यालय और SP को सौंपी। इससे पहले भी पुलिस के सिपाहियों की समस्याओं से जुड़ा गुमनाम पत्र सितंबर और नवंबर माह में मुख्यमंत्री के नाम भेजा गया था। इस पत्र में सिपाहियों ने 6 जनवरी से मिशन महावर्त की चेतावनी दी थी। पुलिस मुख्यालय समेत LIU इसे लेकर राज्य भर में पुलिस कर्मियों की गतिविधियों पर पहले से ही नजर रखे हुए थी। ADG अशोक कुमार का कहना है कि यह किसी शरारती आदमी की शरारत थी। हमारे पुलिसकर्मी समझदार हैं, अनुशासित हैं, वो समझते हैं, हमने उनसे बात भी की है।
कि कोई समस्या है तो वो डिपार्टमेंटली सॉल्व होता है। साथ ही कहा है कि पुलिस खुद आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए बनी है, तो हमारे यहाँ न तो अनुशासनहीनता है और न ही बर्दाश्त की जाएगी। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून।